साजन, सारिस का फोन बज रहा है। बुआ जी का फोन है। बुआ? क्या हुआ? काट दिया। काट दिया? बिजी होगा। जिंदा? अबे साले, तुम डराओ मत यार हमको। अच्छा, हम डरा रहे? हाँ, हम डरा रहे साले। जब 30 बार खान बनके जब ये कांड कर दी तब तुम्हें डर नहीं लगा? हाँ, माफी मांगने आ जाए, थर फोड़ने आए थे क्या? सोचे किए तुम? अबे यार, कुछ सोच के नहीं किए हैं साजन। हम तो यहाँ फूल वूल लेके इससे माफी मांगने आए थे कि जो किया उसको मिट्टी में डाल दो, मगर ये साला कृष्णा जी को हमारे खिलाफ भड़काने चला था। उनको बताने जा रहा था कि उनका दाखिला हो चुका है लंदन के कॉलेज में, और ये इसने साले ने अपनी भी पोस्टिंग उधर ही करवा ली है लंदन में। बोल रहा था हम दोनों साथ में जाएंगे लंदन। तुम बताओ यार, साला निहारते इसको? बताओ तुम। इसको तो साले को हम निहारते हैं, हम ही कांड करेंगे साले। अबे यार छोड़ो यार, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, इधर आओ। अबे साले, तुम सेम चीज क्यों कर रहे हो जो हम किए हैं? कुछ डिफरेंट करो यार। साजन यार, हमारी मदद करो ना यार। तो जानते हो यार, हम कृष्णा जी के बगैर नहीं जी पाएंगे। हम डर गए थे यार साजन। टेंशन मत लो, हम बोल रहे हैं, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। एक काम करो, जल्दी से लंदन वाले दाखिले वाले पेपर दिखाओ। जल्दी। ये तेरा कागज। इसके हिसाब से भाभी को 5 दिन के अंदर अंदर कंफर्म करना होगा कि उनको एडमिशन लेनी है या नहीं। 5 दिन? और अगर 5 दिन निकल गए तो एडमिशन कैंसिल। यानी लंदन जाना। यार साजन, यार तुम बताओ, 5 दिन तक कृष्णा जी से ये बात कैसे छुपाएंगे? हमें टेंशन हो रही है यार। इसका बंदोबस्त तो करना पड़ेगा दोस्त। ये पैसे हम पिछले 1 साल से उनके गिफ्ट के लिए ही बचा रहे थे। वो हमारी शादी की 10वीं सालगिरह भी आ रही है ना, तो हमने सोचा कि उन्हें एक आईपैड गिफ्ट कर दे। अब कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? अच्छा नहीं भाभी, बहुत अच्छा होगा। आप दोनों को तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी चाहिए। आप दोनों कहीं घूमने क्यों? अब नहीं नहीं कृष्णा, इतना ही बहुत है। वो पापा जी को ये शादी की सालगिरह वालगिरह मनाना अच्छा नहीं लगता। भाभी आप हमारे साथ चलिए, हम दोनों साथ में मिलकर उनके लिए गिफ्ट ले लेंगे। अरे बेला डार्लिंग, जाने मन कहाँ घूमती रहती हो, नजर नहीं आती बिल्कुल भी। हाँ हस्बैंड, आप कहीं भी शुरू हो जाते हैं ना। अरे यार, तुम हो इतनी खूबसूरत, और क्या है ना, बिना पल्लू के तो बहुत ही कड़क लगती हो। अरे यार, कौन है मोहब्बत का दुश्मन? हटिए, हम देखते हैं। अरे सब मूड ऑफ कर दिया हमारा। देखो देखो, इसको कहते हैं संस्कार।
ससुर को देखते ही पल्लू सर पे डाल ली। वाह, अरे तुम्हार तो भाग खुल गए तिरलो की। ऐसी होनहार तुमको घराली मिली है। बेला, अगर तुम्हार परमिशन हो तुम दो मिनट तुम लोगों के साथ बैठ जाएं। हाँ पापा जी आइए। हाँ धन्यवाद पापा जी, आप हमारे कमरे मतलब। अरे होता है भाई, कृष्ण जो है कभी कभी सुदामा के घर आते हैं। मतलब इतने साल से आए नहीं तो। बैठो। अरे बैठो बैठो। हाँ पापा जी। कहा है कि बहुत टाइम हो गया था तुम लोगों के साथ बैठ के इसे बात किए हुए, तो हम कहे आज बहू और बेटे के साथ बैठ के कुछ बातचीत कर ले। पापा जी हमें तो आपकी चिंता हो रही है, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ एकदम ठीक है। अब क्या है बेला कि तुम जैसे होनहार बच्चे अगर हमारे हैं तो हमको चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिल की बात कहने आए थे तुम दोनों से। क्या है त्रिलोकी, जिंदगी का कोनो भरोसा तो है नहीं, अब गजानन कितना संभालेंगे और राधे जो है वो अपने मेहरारू में उलझे रहते हैं दिन रात। सही बात है सर। तो हम सोच रहे हैं कि दो ठो पेट्रोल पंप इंडिपेंडेंस तुम लोग को दे देते हैं। पापा जी हम भी सेम टू सेम ऐसे ही सोच रहे थे। वो कार में इतने टैलेंटेड है ये और कहीं वेस्ट जा रहा है इनका टैलेंट। ए बेला मर जाओगी खुशी के। शांत हो जाओ, इसके टैलेंट को हम बचपन से जानते हैं, बहुत टैलेंटेड है ना? तो हम, अरे वो तुम अपने बाबूजी से बात करी रही? कैसी बात पापा जी? लो अरे सुबह तुमसे कह रहे हैं ना, वो जो कपड़ा पसारने जा रही थी कि पिताजी से बात करो, हम मिलना चाहते हैं, चाय पियेंगे साथ में बैठ के। वो पापा जी इसमें कोई बोलने वाली बात का है, आप कभी भी चलिए, सिवा ने हम भी अपने मायके हो आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साथ में चलेंगे। वो अरे वो का नाम रहा तुम्हार बहन का पापा जी? पापा जी टीटी। टीटी टिप टॉप अवस्थी। हाँ देखो क्या है, रिश्तेदारी में जाना आना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए, प्रेम मोहब्बत बढ़ता है इससे ना। क्या है उनकी भी एक लड़की है, बड़ी हो रही है, शादी ब्याह का चिंता होगा, तो मिल बांट के सब कर लेंगे। ठीक है तो तुम बात करो, तैयारी करो, चलते हैं, है ना? मस्त रहो, हम चलते हैं। पापा जी अरे खुश रहो, तुम बहुत टैलेंटेड, हम जानते हैं तुमको, जानते हैं। अबे मैया, तूने हमारी फैमिली में अचानक कहीं इंटरेस्ट आ गया, चल कर रहा है ये। थैंक यू कृष्णा। देखो ना कितनी सारी बातें बता रहा था, ये फीचर वो फीचर, अगर हम अकेले आते तो कुछ समझ ही नहीं पाते। भाभी हम है ना। अच्छा ये बताइए, आप और गज भैया मिले कैसे थे? हम नहीं मिले थे, परिवार ही आपस में मिल लिए थे। अच्छा मतलब अरेंज मैरिज, तो आप दोनों हनीमून पे कहीं गए होंगे ना? हाँ शिरडी। शिरडी? हनीमून पे शिरडी कौन जाता है? उसके बाद रुके थे हम मुंबई। अच्छा हाँ पूरे 8 घंटे। 8 घंटे कहीं घूमे कि नहीं? नहीं वो दरअसल मन तो बहुत था हम दोनों का, पर वापस आने की ट्रेन थी ना इसलिए स्टेशन पर ही थे। पापा जी की नजर में हम इतना सही चल रहे हैं, मतलब एक नहीं दो पेट्रोल पंप की जिम्मेदारी हमको दे दिया है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सांता क्लॉस तो है नहीं है। अपने मतलब के बिना किसी को एक ढेला भी ना दे। क्या मतलब? इधर आओ। हमारे बहन टीटी के शादी के रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे, तुम देख लो कहीं तुम्हारा सौतेला भाई ना निकल आए जिसके साथ हमारी बहन को भिड़ाने की प्लानिंग चल रही हो तुम्हारे पापा जी की। पापा जी हैं वो, पापा जी इतने बड़े बेवकूफ नहीं हैं। जानते हैं। पापा जी ना अपने फायदे के बिना हमारी बहन, हमारे पापा, हमारी मम्मी के बारे में तो सोचेंगे नहीं। कुछ तो गणित चल रही है इनके मन में।
एक मिनट सुनो, अबे साले ये तुम्हारे पापा जी का गुडाउन है। अरे तू तो कोई आता है यहाँ पे? नहीं आता ना, कुछ नहीं होने वाला। भाभी की फॉर्म भरने की डेट निकल जाए, उसके बाद सब देख लेंगे ना क्या करना है इसका। क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर कोई लफड़ा हो गया ना तो कहीं और रखने का रिस्क ले सकते हैं हम। हाँ नहीं पंडित, तुमको मैसेज चाहिए या नहीं? चाहिए। पक्का? हाँ। तो बस फिर साला अबे साले ये होश में आ रहा है। रसी लो। बहुत उछल रहे हो। क्या बोल रहे थे तुम? लंदन पोस्टिंग हो गई है साले, पोस्टिंग तो तुम्हारी असली हम की है, वो भी गोडाउन में अपने पापा के। 5 दिन। चलो साले, लंदन लेके जाएंगे तुमको अगली बार। चलो बेटा राधेलाल, हुलिया ठीक कर लो। कृष्णा जी को इस कान के बारे में ना भनक तक नहीं लगनी चाहिए। कृष्णा जी, कृष्णा जी देखिए, हमें पता चला आपके रिजल्ट के बारे में। अब बिल्कुल भी उदास मत होइए। अब हमारी तरफ देखिए, हम 3 बार नौवीं में फेल होने के बावजूद भी कितने खुश हैं। और आप तो डॉक्टरी के एग्जाम तक भी पहुंच गई। कृष्णा जी प्लीज, आप रोइए नहीं। आप ऐसे हिम्मत क्यों हार रही हैं? देखिए हम जानते हैं आपका रिजल्ट इस बार खराब आया, हमें भी बुरा लग रहा है सुन के, मगर अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? अब फिर से तैयारी कीजिए, अगले साल एग्जाम दीजिए। हम गारंटी दे रहे हैं अब जरूर पास होंगी। और वैसे भी आप राधेलाल शुक्ला थोड़े ना हैं जो हर साल फेल हो जाएंगी। थैंक यू राधे जी, आंखों के सामने जब अंधेरा छा जाता है ना, तब उम्मीद की कोई भी किरण नहीं दिखती है। आपने हमें उम्मीद की किरण दिखा दी। थैंक यू सो मच। कृष्णा जी, वैसे हम एक और बात कहना चाहते हैं आपसे। क्या? देखिए हम जानते हैं आपने अभी तक हमें माफ नहीं किया। किस लिए? वो प्रशांत, कृष्णा जी देखिए, हम आपको फिर से सॉरी बोल रहे हैं उसके लिए। अगर आप बोलेंगे तो हम आपको 1000 बार एक कॉपी में लिख के दे सकते हैं, मगर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कृष्णा जी, आप
आप एक बार बोलिए हमको क्या करना होगा। हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे। देखिए हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। राधे जी, हमें हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। 2 दिन बाद कच्छ भैया और ललिया भाभी की शादी की 10वीं सालगिरह है। उन दोनों का शादी के टाइम से बहुत मन था मुंबई घूमने का। अब बस कैसे भी करके उनके एनिवर्सरी पे उन दोनों को मुंबई भेजने की प्लानिंग कर दीजिए। उनके एनिवर्सरी पे हम दोनों की तरफ से ये ट्रिप एक गिफ्ट हो जाएगा। प्लीज कृष्णा जी, मुंबई और वो भी इतने कम समय में, अब पापा जी को कैसे। हम जानते हैं कि पापा जी को एनिवर्सरी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कोई मना सकता है तो वो है आप। बेटा राधेलाल, आसमान से टपके और खजूर में अटके। क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि हमें मनाने के लिए आप कुछ भी कर देंगे। देख लीजिए, हमारी माफी आपको चाहिए कि नहीं, यही तरीका है हमसे माफी पाने का। अरे भोलेनाथ, काहे परीक्षा ले रहे हो यार? एक मुसीबत निपटती नहीं और दूसरी पहले आ जाती है। वो प्रशांत यहाँ गोडाउन में बंद है, ऐसे में हम मुंबई चले गए तो कैसे काम चलेगा? और अगर नहीं गए तो कृष्णा जी नाराज हो जाएंगे। अबे यार, हम करें तो क्या करें? जल्दी करो, चलो बंद करो। राधे, जल्दी करो, जल्दी उठाओ स्वेटर और 20 कट्टे का 20 कट्टे उतारना। ये तो राधे का भाई है। चलो, इन लोगों के हाथ लग गए तो भिट्टो तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्या करें, क्या करें? हाँ। अबे जल्दी आओ बे। अपनी बहन का दहेज ढो रहे हो क्या बे? हैं? ये चाहते हो पूरा दिन यहीं बिता दे तुम्हारे साथ? बाहर आ करो जल्दी आप। अबे ढंग से साले तुम, जल्दी जल्दी रखो। कौन है बे? कोई तो था यार। भैया जी, 20 की 20 गुनिया रखवा दी है।
20 की 20 वही रखवा दियो गोदाम में, है? हाँ। अपने बाप की बारात में आयो काम है, है? या सुबह सुबह फूक लियो? कौन बोला तुमको रखने के लिए, है? अब ऐसा करो, चुपचाप दो बोरी उठाओ और पीछे जाके छुपा के रख दो, समझे कि नहीं? जी भैया। किसी भी तरह जल्दी से जल्दी बिट्टो से मिलना होगा और फिर हम बताएंगे इस राधेलाल शुक्ला को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।